हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बहुलकों का आणविक द्रव्यमान के बारे में। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ध्यान से आप समझें। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, बहुलकों के गुण, उनके आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। बहुलकों की जो प्रॉपर्टी है, बहुलकों के जो गुण हैं, वे उनके आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। बहुलक श्रृंखला की लंबाई, उनके संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में एकलकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहुलक श्रृंखला की लंबाई कितनी होगी, जब बहुलक का निर्माण होता है तो उस दौरान कितने एकलक उपलब्ध हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। बहुलक श्रृंखला की लंबाई उनके संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में एकलकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस प्रकार बहुलक प्रतिदर्श में विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। बहुलक प्रतिदर्श में विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए इनका आणविक द्रव्यमान सदैव एक औसत रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान सदैव एक औसत रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को रासायनिक और भौतिक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बहुलकों के गुण उनके आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। बहुलक श्रृंखला की लंबाई उनके संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में एकलक की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रकार बहुलक प्रतिदर्श में विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इनका आणविक द्रव्यमान सदैव एक औसत रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को रासायनिक और भौतिक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बहुलकों के आणविक द्रव्यमान के बारे में। थैंक यू।